मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं, यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस चार दशक तक पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही, और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं। उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह 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 कर मालाएं पहनी कि बस वन रैंक वन पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो चार दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी, उसे पूरा किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं किया। और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी, ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया है। जब ये काम होते हैं तभी देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है, तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।